मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के सभी नर्सिंग संवर्ग, पैरामेडिकल, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स, रोगी कल्याण समिति सहित सभी वर्ग प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। नाराज कर्मचारियों ने आज से चरणबद्ध आंदोलन की शुरूआत कर दी है। सोमवार को कर्मचारियों ने काली पट्टी लगाकर विरोध जताया। अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मी जो है एक बार फिर सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। आपको बता दें कि आज से 2 दिन तक जो स्वास्थ्य कर्मी है काली पट्टी लगा के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी जो 15 सूत्रीय मांगे हैं उनको मानी जाए, जिसे वो लंबे तरीके से सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उनको अनदेखा कर रही, जिसके बाद जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्होंने जो है यहाँ पर हड़ताल का ऐलान किया है। आज से 2 दिन तक जो है स्वास्थ्य कर्मी काली पट्टी बांध कर यहाँ पर काम करेंगे। 2 दिन के बाद जो है सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। अगर फिर भी उनकी बात नहीं मानी जाती है तो उसके बाद एक बड़े प्रदर्शन का जो है चेतावनी दी गई है। उनका कहना है कि आज काली पट्टी बांधकर विरोध जताया जा रहा है और सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि पहले से जो उनकी मांगे हैं उनको पूरी की जाए, नहीं तो आने वाले समय में जो है एक बड़ा प्रदर्शन हो सकता है जिसके चलते स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं चरमरा सकती है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ अंजलि सिंह, NS 24x7 भोपाल। शासन तक पहुंचाना चाहते हैं हम लगातार समस्त स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ से। मैं प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कौरव, हमारे महासंघ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो विसंगति है, विभागीय विसंगति है, जो कुछ अनार्थिक मांगे हैं उनको विभाग के द्वारा चर्चा के माध्यम से हमारी मांगों का निराकरण करें।